आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी आईपीओ के जीएमपी प्राइस के बारे में जानेंगे। कल की डेट में आपको एक आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिल जाएगी। उस आईपीओ की अलॉटमेंट आपको कहाँ चेक करनी इसके बारे में भी जानेंगे, और अगर आपको इन आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका एक लॉट की मदद से कितना प्रॉफिट बन सकता है इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। किसी भी आईपीओ का जीएमपी चेक करने के लिए आपको गूगल में लिख देना है मनी मिंट आइडिया जीएमपी लिख देना है, देन आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगा जीएमपी प्राइस, सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। पहली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर एक्सिगो हमको देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 10 जून से लेकर 12 जून के बीच ओपन हुआ था। आज के डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 38 रुपए चल रहा है। 93 रुपए इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया था। एक लॉट के अंदर आपको 161 शेयर देखने को मिलेंगे। 18 जून को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में अगर जीएमपी का हम लोग कैलकुलेशन करें तो 6118 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 131 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर यूनाइटेड कोट फेब हमको देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ 13 जून से लेकर 19 जून के बीच ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस 17 रुपए चल रहा है। 70 रुपए इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिल जाएंगे। 24 जून को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में जीएमपी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो पर लॉट के अंदर 34000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 87 रुपीस के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो जीपीईएस सोलार हमको देखने को मिलता है। 14 जून से लेकर 19 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 127 रुपए चल रहा है। 94 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 24 जून को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में इसका जीएमपी के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो पर लॉट के अंदर 1,52,400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 221 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करें तो जेम्स इन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी ही हमारे चैनल्स के ऊपर इसका डिटेल्स रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 19 जून से लेकर 21 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में जीएमपी प्राइस 27 रुपए चल रहा है। 75 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। 26 जून को आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जीएमपी के हिसाब से कैलकुलेशंस करें तो पर लॉट के अंदर 43,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 104 रुपए के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगली कंपनी की बात करें तो डी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 19 जून से लेकर 21 जून के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 42 रुपए चल रहा है। 203 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट के अंदर आपको 73 शेयर देखने को मिलेंगे। 26 जून को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। पर लॉट के अंदर आज के डेट में 3,066 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 245 रुपए के आसपास ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों कल की डेट में एक आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आने वाली है, तो आपको अपनी अलॉटमेंट कैसे चेक करनी है तो यहाँ पे देखिए आपको मनी मिंट आईडिया के होम पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको अलॉटमेंट स्टेटस का पेज दिखेगा, सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कल की डेट में एक्सिगो का आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे जिस भी कंपनी का आप अलॉटमेंट चेक करना चाह रहे हैं उस कंपनी को आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको अपने पिन नंबर के ऊपर रहने देना है। यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर भरना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिली होगी तो आपको नंबर ऑफ शेयर दिख जाएंगे और वहाँ पे लिखा जाएगा शेयर इज अलॉटेड। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो आपको नोट अलॉटेड लिखा जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी उसके ऊपर एक ईमेल भी आ जाएगा, उसके अंदर इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी और आपकी बैंक की तरफ से भी आपको मैसेज आएगा कि जो भी आपने पेमेंट्स किया था इस आईपीओ के लिए उसका पैसा आपका अनब्लॉक कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं और किसी भी आईपीओ का जीएमपी प्राइस आप इजिली चेक कर सकते हैं मनी मिंट आइडिया के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी आईपीओ जीएमपी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक चैनल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।